आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार प्रभावित होगा यदि दोनों के मध्य एक तीसरा पिंड रख दिया जाए, यदि दोनों पिंडों के मध्य निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम रख दिया जाए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा पहला पिंड है M1 है और ये हमारा दूसरा पिंड है M2 के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या किया? ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इन दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो F के बराबर हम क्या लिखेंगे? जी M1 M2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इनका बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनके मध्य एक तीसरा पिंड भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तीन पिंड हो गए हमारे पास, M1, M2 और M3, A, B, C। तो क्या इस स्थिति में A और B के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा? तो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है यानी कि A और B के बीच में लगने वाला बल, इस बल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अगर हम एक या कितने भी पिंड इनके आसपास रख दें। हाँ, लेकिन जो परिणामी बल होता है वो परिणामी बल में जरूर अंतर आ जाएगा, उसके अंदर M3 का द्रव्यमान भी जुड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इन दो के बीच की बात कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बीच में कितने पिंड और अन्य रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच का बल उतना ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे की कि इसमें निर्वात के स्थान पर माध्यम माध्यम है कि भाई इसके अंदर क्या रखा है? पानी रखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पानी के अंदर है तो इसके लिए जो जी एफ का मान लिखा जाएगा वो एफ का मान क्या रहता है? जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि एम वन और एम टू तो इनके बीच का द्रव्यमान है और आर है इन दोनों के बीच की दूरी, और जो जी है, जी क्या है हमारा? जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, ये जो जी का मान होता है किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होने वाला। ठीक है, ये किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होगा, चाहे अंदर कोई सा भी माध्यम हो, कुछ भी हो, क्या भी हो। ठीक है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला। तो इस स्थिति में भी हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा कि नहीं, कि निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम रखने के बावजूद इन दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो प्रभावित नहीं होगा। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।